हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में जो बात हुई थी ऑप्टिक्स को लेके बात हुई थी, तो ऑप्टिक्स प्रकाश के बारे में बात हुई और फिर ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया था वो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, तो ऑप्टिक्स जो है अपने इंटर कोर्स में दो कैटेगरी उसकी बनी, उसका क्लासिफिकेशन जो दो टाइप से किया गया। पहले को क्या बोला गया था, बताया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सेकेंड को बोला गया वेव ऑप्टिक्स। ठीक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बताया था कि इसमें जब लाइट गिराएंगे तो किसी ऐसे पृष्ठ पर गिराते हैं जिनका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का ना हो। इनमें क्या था कि ऐसे पृष्ठ पर प्रकाश गिराएंगे जिनमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उस पृष्ठ के आकार की कोटि का होना चाहिए। ठीक, तो इसके थ्रू मुझे क्या क्या पढ़ने की चीज़ें, पहले उनको हम एक एक करके चेक कर लेते हैं और फिर आप लोग भी उनको नोट कर लेना ताकि आपको भी पता चले कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ आएगी, तो मुझे क्या इंस्ट्रूमेंट वहाँ मिलने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थ्रू सबसे पहली चीज़ पढ़ना है मुझे रिफ्लेक्शन, जो हाई स्कूल में आप लोग पढ़ के आए। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। तो परावर्तन में कौन कौन चीज़ आएंगी, परावर्तन जो कौन करते हैं, हमेशा मिरर करते हैं दर्पण। ठीक, तो परावर्तन होगा कि इसमें क्या चीज़ आएंगी, प्लेन मिरर आएगा, समतल दर्पण, और स्फेरिकल मिरर आएगा, गोली दर्पण आएंगे। ठीक, गोली दर्पण की कंडीशन बन जाती है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दूसरी कंडीशन जो आती है उसको बोलते हैं रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन मतलब अपवर्तन। तो अपवर्तन के कितने पार्ट, इसको अपवर्तन होता है, देखो गुटके से भी होगा, कांच का गुटका होगा उस पर प्रकाश गिराया जाएगा उसमें भी अपवर्तन होगा, लेंस में होगा, लेंस इसी में आएगा, प्रिज्म इसी में आएगा। तो ये सब कंडीशन किस में आने वाली हैं, रिफ्रेक्शन में आएंगे। ठीक, अपवर्तन में। ऑप्टिकल फिर क्या आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जो थोड़े बहुत हाई स्कूल में पढ़े थे, ह्यूमन आइज थी और कौन कौन से थे, माइक्रोस्कोप था, टेलीस्कोप थे। ठीक, तो ये सब चीज़ें किस में आने वाली हैं, इसी में आएंगी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थ्रू आएंगे। ठीक, इसके बाद में क्या स्टार्टिंग होगी, तो वेव ऑप्टिक्स जब शुरू होगी तो सबसे पहली चीज़ आएगी इंटरफेरेंस, व्यतिकरण इसको बोलेंगे। ठीक, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताए थे उस दिन कि प्रकाश अगर किसी छिद्र पर गिराया जाए, उस छिद्र को फिर छोटा करते चले जाओ, तो लास्ट में जब लाइट मिलती है तो उस लाइट हमको गोल वहाँ नहीं नजर आएगी, वहाँ पर क्या होगी, सब चमकीली लाइट नज़र आने लगेगी जगह जगह पर, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। फिर उसमें क्या आएगा, YDS ई आएगा, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, जैसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे पानी वानी भरा हो, पानी पर अगर तेल की परत गिर जाए, तेल की कुछ बूंदें गिर जाती, तो एक लेयर बना देते हैं उसके ऊपर, बहुत पतली सी परत बनाते हैं, वो परत चमकने लगती है। ठीक, तो वैसी परत यहाँ पर आएंगी, तो उनके बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन का मतलब होगा जैसे जब लाइट किसी कॉर्नर पर पड़ती है, जैसे कोने वगैरह पर, तो किनारों से मुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक, वो किस में आएगा, वो भी इसी में आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, फिर पोलराइजेशन आएगा, ध्रुवण जिसको कहते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में इसको पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये सब कैटेगरी इसकी बनी, तो ऑप्टिक्स दो पार्ट में बनी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक, अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, तो यहाँ से जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू होगी तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली हैं। ज्योमेट्रिकल में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा परावर्तन, दूसरा आएगा अपवर्तन। अब परावर्तन और अपवर्तन को देखो बांटा गया अलग अलग कैटेगरी में, चैप्टर उनके अलग बांटे गए हैं, हाई स्कूल में भी बांटे गए हैं और इंटर में भी अलग कर दिए गए हैं। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो जितने पृष्ठ होते हैं, जैसे अगर मान लो कोई एक पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिरे, तो कोई भी पृष्ठ पूर्ण रूप से किसी भी वस्तु को परावर्तित कि जितने पृष्ठ होते हैं वो सब अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को, प्रकाश की किरणों को पूर्ण रूप से उनको वापस नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से वापस करने के लिए उनको बनाया जाता है वैसा। ठीक है, कहने का मतलब है परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक साथ करते हैं हर पृष्ठ। ठीक, क्यों, क्योंकि जब लाइट गिरेगी इस पर तो उसका कुछ भाग प्रकाश का इसके अंदर अवशोषित भी हो जाएगा। ठीक, तो कैसे होती है घटना, देखिए इसे, जैसे मान लो एक प्रकाश की किरण ऐसे गिरी, तो दूसरी ऐसे समांतर ऐसे दो किरणें गिरी, यहाँ पर अभिलंब डाल दो, तो किरण का कुछ भाग क्या होता है, अवशोषित भी प्रकाश होता है इसे, और क्या होता है, कुछ भाग परावर्तित भी होता है इसे। ठीक, कहने का मतलब है कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों हर पृष्ठ करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम परावर्तन पढ़ते हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में 80% या 90% परावर्तन की बात होती है, तो उस केस में अपवर्तन हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, केवल और केवल उस क्वेश्चन में हम या उस चैप्टर में या उस कॉन्सेप्ट में केवल परावर्तन की बात करेंगे। ठीक, और अगर अपवर्तन की बात ज़्यादा होने लगती है तो फिर परावर्तन भूल जाते हैं, किसकी बात होने लगती है, अपवर्तन की बात होती है। अब ये जो किरण गिरी,
इनको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये कौन सी हैं? ये कहलाती हैं रिफ्रैक्शन रे। ये कौन सी हो गई? तो ये कहलाती हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, परावर्तित किरणें। तो ये हुआ परावर्तन और ये क्या कहलाया? अपवर्तन। अब जैसे इसमें कुछ बातें और आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अगर मान लो ये मीडियम एक वन है और ये मीडियम टू है, माध्यम एक और माध्यम दो हो गया, ठीक। तो अगर प्रकाश की किरण केवल और केवल एक ही माध्यम की जब बात होती है, ये छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, क्या कि अगर एक ही मीडियम की बात हो, केवल एक मीडियम की, तो जब प्रकाश गिरेगा पृष्ठ पर तो परावर्तन ही होगा। केवल एक मीडियम की बात होगी, इसका मतलब गिरा प्रकाश और वापस लौट गया, तो परावर्तन की बात हुई, ठीक। और परावर्तन जब होता है तो प्रकाश की जो चाल होती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी जो होगी जिस आवृत्त से प्रकाश आया इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। कहने का मतलब चाहे बोला जाए एक ही मीडियम की बात हो और चाहे आपसे कह दिया जाए परावर्तन की बात हो, ठीक, तो उस केस में क्या होता है? प्रकाश की चाल और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन अगर दूसरे मीडियम की बात हुई, कह दिया गया प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो इसकी स्पीड होती है स्पीड पर फर्क पड़ जाता है, ठीक, ये चेंज होने लगती है मीडियम के अनुसार। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कौन उत्पन्न करता है? स्रोत उत्पन्न करता है। जैसे मान लो कि दिन में जब लाइट आती है तो कहाँ से आती है? सूर्य से। तो कौन स्रोत बना? तो सूर्य हो गया, ठीक है। तो जब माध्यम बदलता है तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा किस पर डिपेंड करती है? स्रोत पर डिपेंड करती है, जिस सोर्स से, जिससे लाइट आ रही होती है, ठीक। और किस पर फर्क पड़ता है? तो तरंग दैर्ध्य पर फर्क पड़ता है। तो दो चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं और फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी कभी भी नहीं बदलती है, ठीक, जब माध्यम बदलता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो यहाँ से कंडीशन क्या निकली? मान लो अगर छोटे क्वेश्चन इस पर किए जाएं तो कैसे कैसे बन जाते हैं। तो एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, v बराबर एन लैम्डा, एन को आप एफ लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कर दीजिए, ठीक। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो तो किसी एक मीडियम की अगर बात होती है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बना v बाई लैम्डा। दूसरे मीडियम की अगर बात हो तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, चाल हो जाएगी, वी डैश लैम्डा बन जाएगा लैम्डा डैश। दोनों को साथ में लिखो तो कंडीशन आई वी बाई लैम्डा इज इक्वल टू वी डैश बाई लैम्डा डैश। मतलब इसको अगर ट्रांसफ़र कर दें इधर, वी डैश को नीचे लाएं तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई लैम्डा डैश, जो इक्वेशन बन के यहाँ से आई, ठीक। चाल बदली तो तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, यहाँ से वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक। लेकिन और कुछ चीज़ें आती हैं इसमें। अब किसी एक मीडियम की अगर बात हुई है क्वेश्चन में, जैसे अगर वायु की बात हो निर्वात की, निर्वात में सी का मान कितना? प्रकाश की चाल को सी से लिखा जाता है। जैसे वी जो है यहाँ पर, वी को किससे लिखेंगे? सी से। जब वैक्यूम की बात होगी तो सी बराबर होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आया? तो ये फार्मूला देखो, इसको याद रखना, कहाँ से बनता है? 1/√μ0ε0, ठीक। म्यू नॉट क्या है? ये निर्वात की चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युत की, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक, जो शुरुआत में बात हो चुकी है। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और यही बराबर होता है प्रकाश की चाल के, ठीक। मतलब वैक्यूम में अगर बात हो, निर्वात में जब बात होती है तो ये किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल सी के। अब अगर किसी मीडियम की बात हो, अगर मीडियम की बात हुई तो ये चेंज होगा, क्या इसमें चेंजिंग आएंगी? म्यू नॉट के साथ में आएगा म्यू आर, और एप्साइलन नॉट के साथ में आएगा ई आर, ठीक। अब ये क्या है? तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, सॉरी, निरपेक्ष चुंबकशीलता कहलाएगी और ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाएगी। ये किसके लिए बने? तो ये किसी मीडियम के लिए, मतलब स्पीड किस में बनी? मीडियम में। तो यम का मतलब मीडियम समझेंगे आप। यहाँ पर अगर देखो म्यू नॉट एप्साइलन नॉट को अलग करो तो ये बन गया म्यू नॉट एप्साइलन नॉट इंटू 1/√μr और er बराबर कितना आ गया? cm। cm का मतलब स्पीड हो गई और m क्या है? ये मीडियम में स्पीड हो गई, ठीक। ये अगर देखो तो ये किसके बराबर बना? तो ये बन गया, यहाँ से देखिए तो ये बन गया है c के बराबर। तो यहाँ पर c लिख दीजिए, तो c/√μr बराबर cm। अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा होगा। तो अपवर्तनांक क्या चीज़ है, ठीक, जो n से आप लोग पढ़ते थे, पढ़े होंगे हाई स्कूल में पढ़े होंगे, वो n क्या है यहाँ पर? तो वो जो n होता है वो हमेशा मटेरियल के लिए होता है, ठीक, जिस मटेरियल पर आप लाइट गिराते हो। यहाँ μr क्या है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, लेकिन चुंबक में। er क्या है? ये वैद्युत के मटेरियल के लिए हो गई, ठीक। अब ये दोनों जो बनी कंडीशन,
चूंकि ये वेव पढ़ रहे हो तरंग, ये तो तरंग चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों तरंग बनाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, तो दोनों से मिलकर के मटेरियल के लिए कंडीशन लाए। तो यहाँ से जो ये कंडीशन लिखी है अंडरवुड म्यू आर और ई आर, यही बराबर होता है एन के, ठीक, अंडरवुड म्यू आर और ई आर जो है ये किसके बराबर होता है, ये क्योंकि ये कोर प्रॉपर्टी है मटेरियल बनी जाकर के, ठीक, ये टोटल प्रॉपर्टी जो लिखी है मटेरियल की होती है, ये किसके बराबर होगी एन के बराबर। एन क्या यहाँ पर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक। तो इसकी जगह पर अगर एन लिख दो तो सी अपॉन एन, ये जो स्पीड इसको माध्यम में मान लिया कितनी हो गई वी, तो फार्मूला यहाँ से निकल के आया क्या, यहाँ से क्या कह सकते हैं सी अपॉन वी, एन को इधर लो इक्वल टू आ गया एन, ये फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक। कहाँ से बनता है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है फार्मूला। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, वी क्या है माध्यम में मीडियम में प्रकाश की चाल, दोनों का रेशियो जो होता है हमेशा कॉन्स्टेंट माना गया है, ठीक। तो यहाँ से अगर एक और कंडीशन बनाओ तो किसी एक मीडियम की बात हो, जैसे एक मीडियम में हमने इसको लिखा था, दूसरे में डैश से लिख लिया था, तो एक मीडियम की बात हो तो इनको ऐसे रखेंगे, ठीक। मतलब सी बराबर अगर यहाँ से चेक करो, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से सी बराबर क्या आया यहाँ से, तो इसको भेज दिए तो एन इंटू वी बन गया, और सी दूसरे मीडियम की अगर बात करें जैसे इसको चेंज किया था तो क्या बनेगा, एन डैश इंटू वी डैश हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम बराबर कर लें तो कंडीशन आ गई सी वी इज इक्वल टू एन डैश वी डैश, यहाँ से अगर वी डैश को बटे में ले आए तो बन गया एन डैश अपॉन एन, और यहाँ देखिए वी अपॉन वी डैश किसके बराबर है, लैम्डा बाई लैम्डा डैश, तो वैसे इसको उठा करके इसके बराबर लिखो तो फाइनली फार्मूला मिला वी बाई वी डैश लैम्डा बाई लैम्डा डैश एन डैश बाई कितना आ गया एन। ये पूरा फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक, अगर कहीं स्पीड निकालनी हो, तरंग दैर्ध्य निकालनी हो, या फिर अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, ठीक, तो इसको डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से कंडीशन सॉल्व होंगे, ठीक। इन केवल बेसिक बातें थी, इस पर खूब सवाल आपने लगाए होंगे, जैसे कह दिया जाए किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, और उस माध्यम में चाल कितनी बनेगी, तो चाल आपको ये निकालनी, ये 3×10^8 होती है, यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक। तो ये फार्मूला यहाँ से बना। तो ये तो बात हुई केवल मटेरियल को लेकर के, ठीक। अच्छा, तो अगर ये कंडीशन आपको पता चली तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। अभी नियम पर बाद में आते हैं, लॉ पर बाद में आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके कंडीशन चेक करते हैं क्या क्या इनके मान होते हैं, ठीक। तो किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, इनको आप नोट कर लेंगे। जैसे अगर वायु है, मतलब वैक्यूम अगर है, निर्वात है, पहले इनको निर्वात समझते हैं, तो निर्वात के लिए एन की जो वैल्यू होती है वो 1 मानी गई है, ठीक, हमेशा आप 1 रखेंगे। अगर वायु है तो वायु के लिए एन का जो मान होता है ये 1.003 अप्रॉक्सीमेट, इसको भी 1 ही लिख लिया जाता है, ठीक, आप 1 मान करके काम चलाएंगे इस सवाल में। अब ये देखो कैसे माध्यम थे, ये विरल माध्यम थे, ठीक। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो सब कैसे माध्यम बनेंगे, सघन। इसके बाद सघन कौन सा बना, डेंसर मीडियम कौन सा बना, तो जल हो गया। जल के लिए एन की वैल्यू होती है 4/3, या इसको 1.33 लिख सकते हो, ठीक, जल के लिए इतना होता है। फिर आए देखो कांच, तो कांच में दो प्रकार की कांच चलती है, एक होती है क्राउन कांच, तो क्राउन कांच का जो मान होता है 1.52 होता है, और दूसरी होती है फ्लिंट कांच, तो फ्लिंट कांच जो होती है इसका मान 1.62 होता है, लेकिन रेयर केस में कभी कभार आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे उन न्यूमेरिकल में हमेशा कांच का नाम होगा, और कांच जो होगी उसका मान हमेशा 1.5 दिया होगा, जिसको आप 3/2 भी कर सकते हैं, ठीक। तो हैं तो दो अलग अलग मान, क्राउन का अलग होता है, फ्लिंट का अलग होता है, एक जगह पर मिलेगा जब आप प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कहीं पर नाम जिक्र किया नहीं जाओ, जब करता है जिक्र तो वहाँ पर एन के मान आप उत्तरण सवाल में दे देगा, ठीक। अच्छा, तो ये डेंसर बने, इसके बाद कौन सा आया, तो इसके बाद आया देखो इससे सघन होता है डायमंड, ठीक, हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ठीक, डायमंड का इतना होता है। और इसके बाद टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड का मान होता है, अपवर्तनांक का मान होता है 2.9 के आसपास, ठीक। तो ये दो की प्रॉपर्टी अलग है कि चमकते क्यों हैं, इनके अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, वो बाद की बात है, ठीक, वो क्रांतिक कोण पे डिपेंड करते हैं, इसलिए तो उन पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ इन सब के आपको अपवर्तनांक पता होने चाहिए, ठीक। अब अगर मान लो कह दें हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें कि एक प्रकाश की किरण किसी जल में गिरी, ऊपर से आई ऐसे जल में गिरी,
तो बताइए जल में चाल क्या होगी। तो आप n बराबर क्या लिखोगे, सी अपान वी। n की वैल्यू जल के लिए कितनी होती है, 4/3। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10^8 होती है। वी आपको निकालना है, इसको आप तिरछे गुणा कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये वैल्यू आप रख करके तुरंत उस मीडियम में स्पीड आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद तो अब देखो आता है सबसे पहला नियम पर आते हैं, कौन सा, रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन। सबको, सब लोग पढ़े हो, परावर्तन का मतलब है देखो, अब जैसे अगर किसी भी सतह पर प्रकाश गिराया जाए लेकिन उसकी जो पिछली सतह हो, ठीक, जिस पर प्रकाश गिरा है वो नहीं, उसके बाद वाली जो पृष्ठ होता है, बाद वाला पृष्ठ, उस पर अगर पॉलिश लगा दी जाए, ठीक, तो पॉलिश लगाने से क्या होता है, प्रकाश जब गिरता है तो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक, सबको पता है चीज़ें। अब परावर्तन के लिए देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ इसी टाइप का ही मिरर हो, मतलब ऐसा ही सरफेस हो, ऐसे में भी होगा। प्लेन मिरर अगर है तो इसमें भी होगा, अगर मान लो ऐसा पृष्ठ है तो भी होगा। ठीक, अब इस पर कैसे देखिए, जैसे अगर मान लो एक रे ऐसे गिरी, तुरंत नॉर्मल डालिए उस पर अभिलंब और वापस कर दीजिए। ठीक, इस पर क्या होगा, अभिलंब डालिए और रे गिराइए, इसे वापस करिए। ठीक, इस पर भी होगा, तो ये हुआ परावर्तन। ठीक, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, जब प्रकाश की किरण जब किसी पृष्ठ पर गिरती है अगर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंडीशन। अब देखो कुछ चीज़ें और, जो किरण गिरती है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जो वापस हुई इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। ठीक, तो गिरने वाली किरण को आपतित किरण, इंसिडेंट रे, वापस लौटी उसे रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तित किरण। और इस बीच वाले जो लाइन खींची गई इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक, तो इसके देखो कुछ नियम होते हैं, दो नियम माने गए हैं, कौन कौन से। पहला नियम कौन सा है, पहला नियम यह है कि जो किरण गिरेगी वो और जो लौटेगी वो और नॉर्मल, तीनों कहाँ होंगे, पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक, कहाँ होने चाहिए, तीनों एक ही बिंदु पर। यह पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल पर। यह पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा जितना और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब क्या है, इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा वो, दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, ये रूल है इसका, ये दोनों नियम है। तो ये हो गया परावर्तन। अब परावर्तन पर देखो सवाल कैसे हुई है, मान लो कहा गया कि ये कुछ, ये किरण गिरी 30 पर तो वापस कितने पर हुई, तो 60, सॉरी तो कितने पर होगी, 30 पर हो गया क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन किस पर बनते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन जो उसका पहला नियम हमने बताया उस पर बनते हैं। कैसे, देखिए, जैसे अगर पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, पृष्ठ के या तल के एक ही बिंदु पर। अब बिंदु नाम आ गया यहाँ से, तो बिंदु नाम जुड़ने से अब बिंदु कहाँ होते हैं, मैथ में निकालते हैं, तो मैथ्स पूरी जुड़ गई यहाँ से। देखो कैसे कैसे, जैसे अगर मान लो हम कह दें कि यह गोला है, सॉरी गोला नहीं, वृत्त है। ठीक, अब वृत्त का अगर केंद्र मूल बिंदु पर होता है 0,0 पर, तो इसकी समीकरण होती है x² + y² = r². आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या कहलाती है, ये सभी। अगर हम क्या करें, इस पर एक सतह पर इसके हम पॉलिश कर दें। ठीक, अब इसकी सतह पर मान लो यहाँ से किरण गिराएं इस पर इसे, और किरण इससे टकराने के बाद अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में निकल जाए, तो बताइए यहाँ का बिंदु क्या बना, वही जो बिंदु के नाम आई थी वही आ गया, पॉइंट यहाँ का क्या बनेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम है, देखो किरण गिरी और इसको वापस ले जाना ऊर्ध्वाधर, तो ऐसे ले जाइए ऊपर, ये वापस लौटी।
अभिलंब कैसे डालोगे? तो अभिलंब बीच में तो होगा लेकिन सेंटर से भी पास होना चाहिए, ये भी नियम है। तो अभिलंब यहाँ से सेंटर से ऐसे इसको आगे बढ़ाइए इसे। अब अगर ये गिर के सीधे गई तो पूरा कोण बना 90, तो ये कितना बन गया 45, तो ये भी कितना बना 45, क्यों? क्योंकि नियम है आई बराबर आर। ठीक, ये अगर आर है तो ये भी कितनी बनेगी, त्रिज्या आर कहलाई। हमको यहाँ का बिंदु काम है एक्स कामा वाई चाहिए। ठीक, यहाँ से आप लंब डाल दो ऐसे इस भुजा पे। अब ये दूरी क्या होगी, तो ये दूरी हो गई एक्स, और ये अगर इसको मिला दें यहाँ से तो ये क्या कहलाई, वाई कहलाई। ये 45, तो ये भी कोण कितना बना 45। अगर इसमें हम एक बार कॉस थीटा ले लें, मतलब कॉस 45 अगर ले लें, तो कॉस 45 क्या बना, आधार हो गया एक्स, कर्ण कितना हो गया आर, और 45 का मान 1/√2, तो एक्स की वैल्यू आ गई r/√2। ठीक है, अगर वाई निकालना हो, अगर ये वाई है तो ये भी कितनी हो जाएगी, वाई साइन ले लो, साइन 45, तो साइन 45, लंब ये हो गया कर्ण ये, तो क्या बन गया वाई बाई आर। 45 का मान 1/√2 दो, वाई बराबर कितना आ गया r/√2, तो एक्स कामा वाई यहाँ का कितना बना, एक्स कामा वाई जो बना यहाँ से कितना आया r/√2 कामा r/√2। अभी देखो वो पॉइंट आप ध्यान रखना, क्या जैसे मैथ में नियम क्या होता है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक, इसमें क्या होगा, एक्स वाई दोनों प्लस में, तो प्लस कामा प्लस, एक्स माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, तो ये चिन्ह ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस हो गया, इसमें दोनों माइनस के होंगे तो माइनस कामा माइनस लेना है, इसमें क्या होगा तो एक्स प्लस का होगा, वाई कैसा होगा माइनस, क्योंकि ये प्लस मान और ये माइनस का मान, इस तरीके से। तो ये साइन अपने आप लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉइंट बना कितना बना r/√2 कामा r/√2 हो गया। ठीक, पॉइंट नाम जो क्या कहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होने चाहिए, एक ही तल के एक ही बिंदु पर होने चाहिए, तो बिंदु का मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ। और अगर मान लो इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनेगा, मान लो इसी में ऐसा ना कहा गया होता, विचलन की बात होती यहाँ से, मान लो कह देता विचलन इतना हुआ, क्वेश्चन वही है, ये वृत्त हो गया, समीकरण x² + y² = r², तो सभी त्रिज्याएं क्या हो गई, r हो गई, सेंटर मूल बिंदु है, तो समीकरण ये बनी। ठीक, कंडीशन वही, इस भीतरी सतह पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर जो किरण गिरी, जो रे गिराई गई वो ऐसे गिराई गई। ठीक, अब ऐसे गिरी कितने पर, तो कहा गया कि विचलन कोण कितना बना, विचलन मान लो कह दिया हमने, विचलन कोण कहा 120 है, 120 पर विचलित हो गई, तो 120 का मतलब क्या है कि इसको अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो किरण ऐसे अगर निकले तो ये 120 बना। विचलन कैसे निकालते हैं, देखो आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तो आने वाली किरण को आगे बढ़ा दो और जाने वाली, और फिर आगे बढ़ाने पर जो आने वाली किरण बने वो, और जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे उसको। तो यहाँ से अगर ये इतना बना 120, तो पूरा कितना बना 180, 180 से 120 हटाओ बचा कितना 60, मतलब इनके बीच का कोण कितना है 60। अब नॉर्मल डालो तो अभिलंब कहाँ जाएगा, सेंटर से ऐसे, तो ये कितना बना 30, तो ये भी कितना हो गया 30। अब वही काम एक्स और वाई निकालना है, तो यहाँ से लंब डालिए आप, ये दूरी r, इसको मानो x और इसको मानो y, तो ये भी कितना हो गया 30। इसमें क्या करेंगे, cos 30 ले लीजिए एक बार, तो cos 30 होगा √3/2, ये बन गया x/r, x बटा कितना आया r, यहाँ से आ गया, मतलब x की वैल्यू आई √3r/2। और अगर sin 30 ले लें एक बार इसमें, तो sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 बनेगा y/r, sin 30 का मान 1/2, मतलब y यहाँ से आ जाएगा r/2। तो यहाँ से यक्स कामा वाई कितना बना यहाँ से, तो √3r/2 कामा r/2 बन गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। और भी अगर देखना चाहो, मान लो ऐसा ना हो, सर्कल ना हो, कोई और डायग्राम अगर दिया जाए, तो जैसे अगर मान लो कहा जाए एक मिरर ऐसे है, ठीक, परवलय आकार, इसकी भीतरी सतह पर ऐसे पॉलिश कर दी गई, इनर लेयर जो इसकी है, किरण ऐसे गिरी इस पर, और गिरने के बाद ये ऊर्ध्वाधर दिशा में निकल गई, तो बताइए यहाँ का बिंदु कितना बना।
तो इसकी समीकरण क्या होगी, इसकी समीकरण होगी x बराबर वाई स्क्वायर। ये जो समीकरण किस पर बना है, देखो x अक्ष पर बना है, तो जिस पर बनेगा वो एक घात में, बाकी जो बचा वो किस में होगा, वो दो घात में। ठीक, परवलय के इक्वेशन का समीकरण भी यही होता है। ठीक है, या तो y में एक घात तो x में दो घात, और या फिर x में एक घात तो y में दो घात होना चाहिए। तो क्या करना है, देखिए अगर इस पर गिरने के बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे किरण निकल गई, तो यहाँ से पहली बात तो एक स्पर्शी खींचिए। ठीक, स्पर्शी कोण कितना बनाएगी, 45। अगर स्पर्शी 45 बनाई तो यहाँ से इसको बांटिए भागे, तो ये भी कोण कितना बनेगा, 45 बनेगा। ये 45, तो जो ये रेखा बनी यहाँ से, इस रेखा की ढाल कितनी है, देखो 45 बनी तो ढाल को लिखा जाता है इसे थीटा से, टेन फाई से, और फाई की जगह पर कितना बन चुका है 45, तो 45 का मान कितना होता है एक, और यही ढाल किसके बराबर होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और या फिर इसको आप प्रवणता के बराबर लिख सकते हो। ठीक, ये प्रवणता हो गई। अब प्रवणता कैसे निकालते हैं, अगर कोई समीकरण दी होती तो उसका एक बार अवकलन कर दो, वो प्रवणता बन जाती है। ठीक, तो अगर इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो यक्स को क्या लिखेंगे, डी एक्स, इसको क्या लिखोगे, तो घात पहले आगे लाओ तो बचा कितना, टू वाई, और वाई का अवकलन बन गया डी वाई, डी वाई, इस डी एक्स को बटे में लाओ तो इधर क्या बना है, एक बटा टू वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स कितने बराबर है एक, तो इसकी जगह अगर एक रख देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आई 1/2, और y का मान 1/2 अगर आ गया तो यहाँ पर लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 1/4, तो पॉइंट यहाँ का कितना आ गया, 1/4 का मान 1/2 बन गया। ठीक, तो ये तो बात थी इस पर केवल किस पर, परावर्तन पर। ठीक, अब केवल परावर्तन का नियम था, ठीक, रिफ्लेक्शन था। अब रिफ्लेक्शन जो है होता किसमें किसमें है, तो रिफ्लेक्शन दो चीज़ों में होता है, कब कब होगा, तो पहले कंडीशन जो होती है, मतलब कहलाता क्या है, तो यह कहलाएगा प्लेन रिफ्लेक्शन, प्लेन रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा होगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। ठीक, प्लेन रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, तो प्लेन रिफ्लेक्शन आएगा प्लेन मिरर में आता है। ठीक, प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक, तो ये किस में आता है, तो ये आता है प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में। ये किस में आएगा, तो ये आएगा गोलीय दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर पढ़ना, तो रिफ्लेक्शन किसमें किसमें होगा, तो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर में होता है, जिसको बोलते हैं प्लेन रिफ्लेक्शन, और किसमें होगा, स्फेरिकल मिरर में होगा, जिसको गोलीय दर्पण बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक, प्लेन मिरर अगर आया तो प्लेन मिरर में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं इसमें प्लेन मिरर। समतल दर्पण, ठीक, समतल दर्पण में हमको सबसे पहला नियम हम सीखते हैं कि कैसे हम इमेज बनाते हैं किसी वस्तु का, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो प्रतिबिंब के लिए आपने देखा होगा कुछ चीज़ें, जैसे घर में हम हमेशा देखते हो कि सामने दर्पण लगा होता है, उसके सामने जब खड़े हो जाओ तो जितनी दूरी पर खड़े हो उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक, तो प्लेन मिरर से सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इमेज कैसे बनाना है हमको। ठीक, प्रतिबिंब कैसे बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो कंडीशन होती हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ना है, देखो कई कंडीशन इसकी हैं, पॉइंट कई हैं, लेकिन उन पॉइंट के पार्ट भी बनने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए उसके अंतर्गत दो बातें आती हैं, कौन कौन सी, जैसे अगर मान लो एक समतल दर्पण ऐसे रखा हो, ये इसका मुख्य अक्ष है, वस्तु कोई यहाँ पर हो, मतलब उसके जस्ट सामने रखी हो, और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है मिरर ऐसे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर, वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है ऐसे, तो इन दोनों कंडीशन में देखिए
क्या हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। यहाँ पर अगर देखो दर्पण के सामने जब वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब तो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, हर जगह बनता है प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इस केस में प्रतिबिंब हमको दिखाई भी देगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और दिखेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा तो ज़रूर, लेकिन इस केस में प्रतिबिंब हमको दिखेगा नहीं। ठीक, तो जब भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं समतल दर्पण के द्वारा तो उसके दो कैटेगरी बनती हैं। पहली कैटेगरी क्या होगी, प्रतिबिंब बनना और दिखना। दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रतिबिंब का बनना लेकिन ना दिखना। ठीक, दो केस बने। तो इसमें देखो पहले केस हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब का बनना और दिखना दोनों चीज़ें। ठीक, तो प्रतिबिंब का बनना और दिखना, अब इसमें अगर कैसे देखो कैसे बनेगा इमेज, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जब देखो ये वस्तु जब रखी है, बिंदु वस्तु है, पहले एक बिंदु वस्तु को समझेंगे फिर एक कोई वस्तु को खड़ी कर देंगे इसके सामने, ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो बिंदु वस्तु है, जब किरणें चलेंगी तो इस पर एक जगह मतलब एक नहीं कई किरणें चलेंगी, यहाँ से आकर के पूरे मिरर पर पड़ेंगी। तो जब यहाँ से किरण चली कोई ऐसे पड़ी तो ये क्या कर देगा, इसको वापस कर देगा इसे। तो कितनी दूरी पर, तो ठीक वही पॉइंट रख लेते हैं, मतलब ऐसे किरण वापस हुई, ये गिरी और ऐसे वापस हुई। अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो लगेगा कि वस्तु यहाँ पर रखी है। किसी दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाओ तो जितनी दूरी पर आप खड़े हो गए ठीक उतनी दूरी पर अंदर आपके पैर नज़र आते हैं। ठीक, तो जितनी दूरी पर सामने वस्तु होती है ठीक उतनी दूरी पर अंदर प्रतिबिंब नज़र आने लगता है, मतलब बनना और दिखना दोनों पड़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर घटना हुई तो यहाँ पर भी ऐसे होगी। मान लो कोई किरण यहाँ गिरी, तो यहाँ पर गिरी तो ये ऐसे है, ये आपतित हुई और ये ऐसे चली गई। ठीक, तो जितनी दूरी पर वस्तु बनी ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, ये बनेगा और दिखेगा भी। ठीक, अगर ये दूरी d है तो ये दूरी क्या कहलाई, di। मतलब कहने का ये है कि प्लेन मिरर के सामने जब कोई वस्तु रखी होती है और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डी ऑफ इमेज। ठीक, ये कंडीशन हुई। अगर मान लो इसी में कोई वस्तु रखी हो, बिंदु वस्तु ना हो, मान लो ये समतल दर्पण है, इसे इसके सामने कोई वस्तु रखी है, इसे नाम लिख लेते हैं इसका ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। देखिए, तो प्रतिबिंब बनने के लिए देखो दो कारण, पहली बात आपको ये पता चल गया जितनी दूरी पर वस्तु होगी ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो जितनी दूरी पर वस्तु ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, तो चाहो तो ऐसे पॉइंट रख लो ए। अब जो किरण यहाँ से गई सीधे, सीधे जो गई किरण दर्पण से टकराएगी वो वैसे उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, मतलब कहने का ये। तो इधर क्या होगा, ऐसे डॉट लाइन दिखा देंगे। और जो किरण यहाँ से यहाँ पर टकराई, मतलब यहाँ से यहाँ जो चली यहाँ पर टकराई आकर के, तो वो तो ऐसे निकल लेगी। अगर इसको हम पीछे बढ़ा दें तो ठीक उतनी दूरी पर क्रॉस करा देंगी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन गया समतल दर्पण के द्वारा। ठीक, ये कंडीशन कौन सी थी, प्रतिबिंब बने भी और दिखे भी। अगर मान लो कोई वस्तु ऐसे टेढ़ी रखी हो, तो अब हर जगह पर चित्र ऐसे किरण नहीं खींचेंगे। ठीक, वस्तु अगर मान लो ऐसे टेढ़ी रख दीजिए समतल दर्पण के सामने, ये इसका मेन एक्सिस हो गया, कोई ऐसे वस्तु रखी है ए बी, अब इसका प्रतिबिंब, तो जितनी दूरी पर ए होगा ठीक उतनी दूरी पर इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो ए पॉइंट जो बना वो यहाँ गया। बी से जब किरण चली ऐसे टकराई इससे आकर के मिरर से, तो ठीक वैसे इधर भी, अब वो सब नहीं, जितनी दूरी ये बनी ठीक उतनी दूरी ये भी बनी, इसको मिला दीजिए, ये क्या बन गया बी डैश और ये हो गया ए बी, तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। ठीक, तो हर जगह पर ये चीज़ें नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक, तो कैसे वो जिसे पढ़ाया जाता था कि शुरुआत में कुछ ऐसा नियम डायरेक्ट बता दिए जाते थे कि एक वस्तु के सामने दर्पण के सामने एक वस्तु रखी 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो प्रतिबिंब कितनी दूर बना, तो प्रतिबिंब बन गया 2 सेंटीमीटर पर बन गया, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन कैसे बना वो बना करके आपको सीखना था कैसे बनाने के लिए। ठीक, तो ये हो गई कंडीशन। नेक्स्ट में अब इस पर बेस्ड देखो, अगर मान लो क्वेश्चन कोई पूछा जाए
इसमें भी पॉइंट निकालना पूछा जा सकता है। ठीक, कैसा क्वेश्चन हो सकता है इस पर? जैसे अगर कहा जाए कि एक सतह है, कोई दर्पण ऐसे रखा गया, कितने कोण पर? 30 पर, और यहाँ से 1 मीटर दूरी पर, या 2 मीटर चलो लेते हैं, 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु रखी है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका बिंदु निकालिए। जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब पर क्या पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को आपको निकालना है। तो बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो हमने क्या चीज़ें देखी थी। अगर मान लो कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है, तो जितनी दूरी पर वस्तु होती है ठीक उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। बनाने का तरीका क्या होता है, उस वस्तु से हम सीधे दर्पण पर लंब डाल देते हैं, दर्पण पर लंब डालेंगे वस्तु से, इस वस्तु से दर्पण पर लंब डाल दो। तो जब लंब डालेंगे तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी ठीक उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये अगर वस्तु है तो यहाँ से इस दर्पण पर लंब डाल दीजिए, सीधे ऐसे लाइन खींचो कि वहाँ पर 90 बने। ठीक, अब इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। अब क्या पता चला कि जितनी दूरी पर वस्तु ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना, जाकर ये बन गया प्रतिबिंब आई। अगर इसको हम मिला दें यहाँ से, इसको मिलाओ, तो हमने क्या सीखा था, ये दूरी जो होगी और ये दूरी दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होती है ठीक उतनी दूरी क्या होती है, वस्तु की भी प्रतिबिंब दर्पण से होती है। ये दूरी बराबर, और कोण ये अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। ये 30 बना, ये 30 बना, ये दूरी बनी 2 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। अब अगर कहा जाए कि ये बिंदु कितना बना, तो इस वाले ट्रायंगल में इतने में एक बार साइन ले लो, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा x बटा कितना हो गया 2, और साइन 30 का मान कितना आया 1/2, तो कैंसिल करो तो x बराबर कितना आ गया 1, मतलब एक बिंदु आ गया यहाँ से 1 कम। दूसरा अगर निकालना तो इस दूरी को मान लीजिए y, तो cos 30 ले लो, तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 बनेगा √3/2, और ये हो जाएगा y/2, तो 2 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया √3, तो बिंदु कितना आ गया 1, √3 बन गया इमेज का। ठीक, तो अगर मान लो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं ऐसे, तो इस प्रकार के होंगे, तो आप ऐसे लगा लेंगे। ठीक, तो ये तो थी केवल कंडीशन किसकी, समतल दर्पण की। ये पहले केस चल रहा है, पहला केस कौन सा, प्रतिबिंब बने और दिखे भी। अगर मान लो क्वेश्चन को ऐसा किया जाए, ये अच्छ दिए गए, दर्पण को ये ऐसे रखा है यहां पर इस प्रकार से, यहां से कितने पर, 45 पर, और इसके सामने यहां पर वस्तु रखी है, ये बिंदु कितना बनेगा, तो ये एक्स डैश, ये एक्स, तो इस पर जो चली गई दूरी होगी माइनस में होगी, तो क्या लिखोगे, -5.0। अगर ये बिंदु है तो बताइए वस्तु का है ये, तो प्रतिबिंब का जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका बिंदु क्या बनेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या बताया था कि यहाँ से दर्पण पर लंब डाल दो सीधे, इसको आगे बढ़ा दो इसे। ठीक, तो जो ये पॉइंट यहाँ पर मिला यही क्या कहलाएगा, ये आई कहलाएगा प्रतिबिंब। कितनी दूरी, तो अगर 45 कोण है तो ये रेखा जो यहाँ से जाएगी, दर्पण जो है निकल रहा है यहाँ से, तो ये रेखा कहलाती वाई बराबर mx। एम क्या होता है, यम होता है टैन थीटा, टैन कितना है 45, तो 45 का मान कितना हो गया 1, 1 अगर यहाँ हो गया तो y बराबर कितना आ गया x, मतलब जितना x होगा ठीक उतना ही y होगा। ठीक, तो x यहाँ पर 5 है तो y भी कितना होगा, 5 होगा, तो बिंदु कितना बना 0.5 हो गया। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0.5 कितना बन गया, 5 बिंदु यहाँ का बना। तो ये हो गया क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे जाए। तो पहले कंडीशन में मान लो अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो ऐसे ही होंगे बिल्कुल, तो ऐसे सॉल्व करना होगा। दूसरा केस, दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रतिबिंब बने और दिखे ना, तो उस पर क्या होगा। जैसे अगर ये मान लो दर्पण है, प्लेन मिरर दिया गया आपको,
वस्तु यहाँ पर रखी है। तो ऐसे केस में जब आपको प्रतिबिंब बनाना होगा, ऐसा नहीं प्रतिबिंब नहीं करना, प्रतिबिंब बनेगा, इसकी भी इमेज बनेगी, लेकिन उस केस में क्या करना, उस दर्पण को तुम कंप्लीट कर लेना, वो भी सही नहीं, सिर्फ डॉट लाइन से ऐसे ये मिरर बना। अब जो किरण यहाँ से चली ऐसे पड़ी इस पर निचले पॉइंट पर, तो वो तो वापस हो जाएगी। वापस करने भी नियम क्या है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट थी ठीक उतनी दूरी पर इमेज का पॉइंट रख लीजिए। ये ओ हो गया और ये क्या बन गया, आई, मतलब ऐसे। अब अगर मान लो अभी इमेज कंप्लीट नहीं, जो किरण यहां पड़ी टॉप पॉइंट पे इसके ऐसे, तो वो भी यहीं पर मिलनी चाहिए ऐसे, तो ऐसे किरण निकल गई। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो ये बना, ठीक, ये किरणें यहाँ से गई और इसका इमेज यहाँ पर बना दी, तो ये प्रतिबिंब बना, लेकिन ये प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, ठीक। तो दो कारण होते हैं प्लेन मिरर में, अगर कोई वस्तु सामने रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा और दिखेगा, उसकी कंडीशन अलग है, और अगर समतल दर्पण के सामने वस्तु ना रखी हो, मतलब दर्पण उसके लाइन में ना हो, तो उस केस में प्रतिबिंब बनेगा लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक। तो दिखेगा नहीं तो उसकी इमेज आप ऐसे बनाएंगे। इस पर अगर मान लो कोई क्वेश्चन करना हो, तो क्वेश्चन इस पर देखिए कैसे कैसे होते हैं। मान लो ये अच हो गया ऐसे, ठीक, यहां पर एक दर्पण ऐसे रखा गया, ये कोण कितना बना 45, और एक पॉइंट यहां पर है कितना 2.0 है। अब बताइए ये दर्पण के सम्मुख ये पॉइंट नहीं है, दर्पण ये पॉइंट इसको मिलाओ तो ये देखो यहाँ चला जाएगा, दर्पण कहाँ है, तो उस केस में क्या करोगे, इस दर्पण को आगे बढ़ा लीजिए इसे, ठीक, आगे बढ़ाएंगे और इससे तुरंत इस दर्पण पर लंब डालेंगे इसे 90 पर, एकदम 90 मिलना चाहिए, तो ये 90 और आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए अगर 45 बनता है तो जितना x होता उतना ही वाई, तो ये कितना हो गया 2, तो ये पॉइंट कितना बन गया 0.y, और 0.y कितना हो गया 2, लेकिन ये कोऑर्डिनेट नीचे वाले माइनस में होते हैं तो क्या लिखोगे 0.-2 लिखोगे, ठीक। तो ये कंडीशन हो गई, पॉइंट निकालना था पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों केस हो गए किसके, प्लेन मिरर के। तो पहली कंडीशन मैंने पढ़ी क्या कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसके दो कंडीशन थी, दोनों क्लियर हुई, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी इसकी कंडीशन है, स्पीड निकालनी होगी, ठीक, दर्पण को घुमाना होगा, तो वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, क्योंकि समतल दर्पण हर जगह कंबाइंड होने लगता है। अब आगे पढ़ोगे क्या, ऐसे कहेगा एक लेंस है, सामने एक दर्पण रख दिया गया, प्लेन मिरर रख दिया गया, तो कंबाइंड ही चलने लगेंगे आगे। तो जब हमको इन सब के बारे में अलग अलग कंडीशन मालूम होगी, तो कॉम्बिनेशन भी अगर आएंगे तो कॉम्बिनेशन भी कर लेंगे, ठीक। धन्यवाद।